नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाउ। डीआरडीओ ने जिला प्रशासन की मदद से जिले के पताही एयरपोर्ट परिसर में 500 बेड का पीएम कोविड केयर अस्पताल तैयार किया है, जिसमें 375 साधारण व 125 आईसीयू बेड लगाई गई हैं। पताही हवाई अड्डा परिसर स्थित पीएम कोविड केयर अस्पताल से कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। हम आपको बता दें कि अब तक 50 से भी अधिक मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। साथ ही विभिन्न प्रखंड या अस्पताल से आए दर्जनों संक्रमित मरीजों का निशुल्क इलाज सैन्य डॉक्टर व नर्सिंग सहायकों के द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि कोविड केयर अस्पताल में सैन्य डॉक्टर और 50 से अधिक नर्सिंग सहायक मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्र व बिहार सरकार के भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को यहां पे तैनात किया गया है। यहां भर्ती होने के लिए आप किसी अस्पताल से रेफर करा सकते हैं या फिर आपके पास कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। आखिर में हम आपको बता दें कि इस कोविड केयर अस्पताल में मरीजों के लिए निशुल्क दवा, भोजन व जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हर दिन औसतन 3 से 4 मरीज पताही कोविड केयर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जागरूकता की कमी के कारण मरीजों की संख्या में कमी आई है। मुजफ्फरपुर नाउ की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमें हमारे फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप हमें हमारे यूट्यूब के चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब के भी चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।